बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। इन टैलेंटेड महाशय के दर्शन के बाद हम लोग निकल चुके थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, वो भी हमारे ऑटो वाले भैया के साथ में। वो चलते चलते हमें दिखाते चले गए कई और फैसिनेटिंग लोकेशन, जिनमें से एक थी हम लाल बादशाह मूवी की शूटिंग लोकेशन। हुजूर से नहीं बोलेगा कि मिलाद, हमने अपनी आँखों से लाल बादशाह को कत्ल करते हुए देखा, तब तक हम सिर्फ मुल्ज़िम हैं, मुजरिम नहीं। ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ के सारे ऑटो वालों को यहाँ की कालू चाचा की शॉप ने स्पॉन्सरशिप दे रखी थी, क्योंकि जिसको देखो वो इनकी अनूठी दवाइयों का प्रचार करते हुए घूम रहा था। हमारे इन भाई साहब ने हमें वैक्स म्यूजियम को यहाँ की फेमस टूरिस्ट लोकेशन के नाम पे चिपकाने की कोशिश की। तब हमने डिसाइड किया कि भैया बहुत हो गया, अब खुद की गाड़ी उठाते हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर खुद रवाना होते हैं। ट्वेंटी मिनट्स की शॉर्ट ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके थे हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी जल महल, जो कि एक छोटे से तालाब के बीचों बीच बना हुआ एक प्यारा सा महल है, जिसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी स्ट्रीट मार्केट। अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए पैराडाइज है। हमारी जयपुर ट्रिप की चौथी लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं, विच इज जल पैलेस। पगड़ी ढूंढ रहे मेरे लिए? जल पहले से जल महल है, जल महल सेम ही है ना, वो मतलब बात तो सेम ही हुई। माँ अब आपको जल महल दिखा के लाऊंगा। जगह बहुत अच्छी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी। जो लोग यहाँ पे मछलियों को दाना डालते हैं ना, भूल जाते हैं कि एंड में यहाँ पे गंदगी भी फैल रही है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा इस चीज का रोटी वगैरह पापड़ कुछ भी डालते। मानसागर लेक के बीचों बीच दिख रहा ये सुंदर सा महल ही कहलाता है जल महल, जिसका कंस्ट्रक्शन 1699 में हुआ था। इसका रिनोवेशन 18वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था। ये टोटल 5-स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें से 4 फ्लोर्स वाटर में समर्ज रहते हैं जब लेक फुल होती है, और इसके टेरेस पे बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। अगर आप भी स्ट्रीट फूड एंड स्ट्रीट शॉपिंग के शौकीन हैं, तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फैली हुई मार्केट है, जिसके दोनों तरफ आपको छोटी छोटी शॉप्स दिखाई देंगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ के फोर्ट्स की तरफ। चले फिर फोर्ट की तरफ बढ़े, चलो। अब यहाँ आए थे तो छोले कुलचे एंड यहाँ की ठंडी ठंडी सिकंजी का मजा लिए बिना कैसे जा सकते थे। आपका नाम नीरज है, आपका नाम क्या है? प्रशांत। और आपका नाम भूपेंद्र। आप वैसे रहने वाले कहाँ से हो? मैं रहने वाले यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी, बगल में महुआ गांव है ना। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे घूमने आए हो या कैसे? घूमने के लिए आए हो? पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं। क्या बात है, घुमा करो, घूमना चाहिए, कोरोना के बाद तो खासकर घूमना चाहिए। अब बारी थी यहाँ से विदा लेने की और आमेर फोर्ट की तरफ बढ़ने की, जो कि जयपुर सिटी में लोकेटेड एक बहुत ही सुंदर फोर्ट है। यहाँ पर हमको और आपको मौका मिलेगा जयपुर सिटी के इतिहास एंड शाही राजवंश के बारे में ढेर सारी बातें जानने का। हम लोगों क्या होता है, जो नंबर होता है इसका नंबर होता है। आइए देखा, ये है मेरा राजस्थान। इस सुंदर परफॉर्मेंस को सुन के दिल में खुशी जाग गई, भला इस ट्रिप की इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। सुशील शर्मा नाम है मेरा। पहले सभी को नमस्कार। हम लोग महल के अंदर आ गए हैं। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं हम लोग, इसे जो राजस्थान की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसमें इसे कहते हैं जलेब चौक। तो जलेबियाँ आप सभी ने खा रखी होंगी, सो आफ्टर जलेबी इट इज़ कॉल्ड जलेब चौक। यहाँ पर सेना की परेड होती थी, तो जब आप लोगों ने परेड देखी होगी तो लेफ्ट राइट करते हैं, और जब परेड खत्म होने वाली होती है तो वो चक्कर मारना शुरू कर देते हैं और उसका आकार जलेबी की तरह हो जाता है। इसलिए इसे
जलेब चौक पर। तो यहाँ सेना की परेड होती थी, ग्राउंड फ्लोर पर अस्तबल होते थे, घोड़े बंधे रहते थे, फ्लोर पर सेना रहती थी आंतरिक सुरक्षा के लिए, केवल रॉयल फैमिली की सुरक्षा के लिए और महल की सुरक्षा के लिए। ये जो हम जो देख रहे हैं ये माता काली का टेम्पल है, गेट बने हुए हैं सॉलिड सिल्वर के हैं, चांदी के। तो जब तक देश आज़ाद नहीं होता ये प्राइवेट टेम्पल होता था रॉयल फैमिली का, लेकिन अभी सभी के लिए है। लेकिन 12 से 4 बजे का जो समय होता है वो माता जी के रेस्टिंग आवर्स होते हैं, तो अभी माता जी आराम कर रही हैं, तो 4 बजे बाद मंदिर खुलता है इसका। ये पेड़ के नीचे जो हम देख रहे हैं ये बलि स्थल है। तो 16वीं शताब्दी में यहाँ पर नर बलि दी जाती थी, जब नवरात्रि चलते थे तो पूरे राज्य से एक व्यक्ति स्वेच्छा से आता था और माता जी को समर्पित हो जाता था। उस ज़माने में लोगों की 150-200 साल की उम्र हुआ करती थी, तो जब उन्हें लगता था हमारी शादी हो गई, पोते की शादी हो गई, पोते के भी बच्चे की शादी हो गई, अपने जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है, तो वो अपनी स्वेच्छा से, विल पावर बहुत होती, माता जी को समर्पित हो। धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो गई, फिर भैंसे की बलि दी जाने लगी, फिर वो भी परंपरा खत्म हो गई, फिर बकरे की दी जाने लगी। अभी 40-50 सालों से कोई बलि नहीं दिया। जैसे जैसे राजा महाराजाओं का राज्य चलता गया तो ये चीज़ें भी समय के साथ साथ खत्म होती। देखो ये हम पहाड़ के ऊपर दीवार देख रहे हैं बनी हुई, ये 12 किलोमीटर लंबी दीवार है और थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। तो पहली तो आप लोगों ने देखा चाइना की, आप लोगों को पता ही होगा। दूसरी दीवार अपनी ये कुंभलगढ़ की है, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो 32 किलोमीटर लंबी है, ये 12 किलोमीटर लंबी। इसी 12 किलोमीटर के अंदर पूरी राजधानी हुआ करती थी, रॉयल फैमिली भी इसी में रहती थी, फौज भी इसी में रहती थी, प्रजा भी इसी के अंदर रहती थी। तो देखो ऊपर वाला जो पहाड़ के ऊपर एक और किला देख रहे हैं बना हुआ, वो भी इसी का हिस्सा है, लेकिन अभी ये प्राइवेट है, रॉयल फैमिली के अंडर में आता है। उस समय यहाँ पर फौज रहती थी। ये महल है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। इस गेट तक के हिस्सों कहते हैं दीवाने आम, आम का मतलब होता है कॉमन पर्सन फॉर एवरीबडी, यानी इस गेट तक कोई भी आ जा सकता था, लेकिन इस गेट के अंदर के हिस्सों कहते हैं दीवाने खास। खास मीन्स इसमें केवल रानियाँ महारानियाँ रहती थी, और एक्सेप्ट महाराजा नो मेल वाज अलाउड इनसाइड, जेंट्स में केवल महाराजा की ही एंट्री होती थी। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर महाराजा का दरबार लगता था, ये लोग महाराजा हुआ करते थे, इनके अंडर में बहुत छोटे छोटे राजा आते थे और पब्लिक अपना टैक्स जमा करने आती थी, समस्याएं सुनाने आती थी। इससे नेक्स्ट हम येलो बरांडा देख रहे हैं, इसे कहते हैं 27 कचहरी। तो कचहरी का मतलब होता है कोर्ट, तो वहाँ 27 वकील बैठा करते थे जो महाराजा के दरबार में मुकदमे लड़ते थे, अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने के लिए, दूसरे क्लाइंट को सजा दिलाने। ये गेट 500 साल पुराना है लेकिन अभी भी नया दिखता है। उसकी वजह यह है कि जयपुर बहुत फेमस है जेम्स के लिए, ये होते हैं ना एमराल्ड, रूबी, सफायर्स वगैरह। तो ये जो हरा रंग है ये एमराल्ड का, लाल रंग रूबी का है, बाकी सारे सफायर्स के कलर है। सफायर्स में सारे कलर आते हैं जितने भी हो, 500 साल पुराने कलर हैं, नो रेनोवेशन। ये सामने दिख रही इमारत शीश महल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये पूरी शीशों से बनी हुई है। इसको बनाने में लगभग 9 साल लगे और इसका इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि 9 सालों में 900 कारीगरों ने मिलकर इस जगह को नक्काशा। फोर्ट के साथ साथ आप यहां पर विंटेज कार राइड का भी मजा ले सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा है। देखो ये राजे महाराजाओं के टाइम का गीजर है, तो आजकल तो अपन बटन दबाओ पानी गर्म हो जाता है बिजली का, लेकिन ये उससे भी पहले गर्म हो जाता था। तो ये हम लोग आउटर पार्ट है, बाहर के हिस्से में है, ये वाटर टैंक बना हुआ है, इसके अंदर पानी भरा रहता था। इसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई है, कॉपर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ नीचे बट्टी मिली हुई, लकड़ी जलाई जाती थी और लकड़ी जैसे जला दे तुरंत पानी गर्म हो, और जो भी स्मोक होता था, धुआं होता था, 1% भी अंदर नहीं आता था, सीधा बाहर, तो अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आता था। We'll be right back.
यहाँ से नीचे देखने पे हमें बड़े बड़े बर्तन दिखाई दिए और गाइड से पूछने पे पता चला कि इस जगह को एक समय पे रसोई के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस महल की रक्षा के लिए लगी हुई इतनी बड़ी सेना के लिए बड़े बड़े बर्तन और बड़ी बड़ी देग होना लाजमी था। वैसे तो इस महल में कई सारी मूवी शूट हुई हैं, लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस महल को या इस महल के किसी पार्ट को किस मूवी में और कहां देखा था। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जोधा के भाई राजा मान सिंह ने अपनी 12 रानियों के लिए बनाई थी, जिसमें चारों तरफ 12 छोटे छोटे महल, उनके सामने उनके कोर्ट यार्ड और सेंटर में बनाए ये 12 दरी जो कि सारे महलों को आपस में कनेक्ट करता है। 12 दरी से आगे निकलते निकलते हम गुजरे रसोई से, जहाँ पे वो बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे और उन्हीं के साथ थे कई सारे ब्यूटीफुल मास्टरपीस जो कि देखने लायक थे। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अब समय है आप लोगों से विदा लेने का और एक फाइनल रिक्वेस्ट करने का कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी शानदार होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।